हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी हम सॉल्व करेंगे। हमें साइन ए दे रखा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखो, इसको हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं, बट हम एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे हैं तो हमें इसी क्वेश्चन को उसी हिसाब से ही ट्रीट करना होगा, इसी लॉजिक से ही करना होगा एक्सरसाइज 8.1 के। ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है साइन है, ठीक है, 3/4 हमें गिवन है, ठीक है। सो ये 3 है, ये 4 है। आपको पता होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है याद करने की, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। सो देखो बेटा, यहाँ से जो 3/4 है, कंपैरिजन जब करोगे तो ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, आपको दिख ही रहे हैं, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या है बेटा हाइपोटेनियस। तो उस हिसाब से हम क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे ए बी सी। ओके, ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है बेटा, वैल्यू देखो बेटा, हमारे पास परपेंडिकुलर तो 3 है, ठीक है, और हाइपोटेनस हमारे पास 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के समय वाला हाइपोटेनस होता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ मुझे और बतानी थी, देखो बेटा यहाँ ए दे रखा है, सारे एंगल सेम है, जब सारे एंगल सेम होता है तो जो एंगल का एक चक्कर होता है ना कि ये 10 पी कॉट आर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसीलिए ये फिगर प्रॉपर बनेगा। परपेंडिकुलर ये हो गया या हाइपोटेनस हो गया तो ये बेस आ जाएगा, ठीक। सो देखो बच्चों, हम वैल्यू पुट अप करेंगे, ए सी, ए सी हमारे पास है 4 स्क्वायर, बी सी हमें निकालना है एंड ए बी हमें 3 दे रखा है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से आ जाएगा 9, प्लस का 9 इधर के माइनस का हो जाएगा 7 आ जाएगा बी सी स्क्वायर, तो बी सी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, 7 आ जाएगा रूट 7, ये कितना है रूट 7, तो ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या आ गया बेस, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब जो जो आपसे बोला गया वो निकाल लो, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आपको क्या निकालना है, थोड़ा सा इरेज करते हैं, जगह कम पड़ रहा है ना, तो ओके ये आपने उतार लिया होगा। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है कॉस है, कॉस की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, इस तरीके से लिखना है, ठीक है, रूट 7/4 आंसर। फिर क्या आएगा बेटा, फिर हमें निकालना टेन ए, टेन की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ पर ए बी, फिर क्या है बेटा बेस, बेस हमारे पास है बी सी, यानी कि 3/7 आंसर आराम से बन गया।